अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस इतने बड़े केक की स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस केक का ऑर्डर मुझे कैसे मिला और कैसे मैंने इसको हैंडल किया ना। पहले मुझे शाम में एक मैसेज मिलता है कि आप कस्टमाइज केक बनाती हैं, तो मैंने बोला जी मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला हमें आपसे कस्टमाइज केक चाहिए ना। मैंने कहा ठीक है, आप कोई भी पिक शेयर करें तो मैं इंशाल्लाह आपको वही बना दूंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो कहते हैं कि कुछ फैमिली मैटर्स हैं जिसकी वजह से अभी हमारा प्लान कैंसिल है, तो आप जो है ना बाद में आपसे केक बनवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। और दिल में ही मैंने सोचा कि अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर समझती है, क्या पता उनका रिस्क मेरे नसीब में नहीं था, तो क्या पता इससे बढ़ के मुझे दे देना। तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि जो चीज़ आप सोचते हो ना तो वो ही हो जाती है। तो मैं तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख शुक्र अदा करूँगी, ना शुक्री नहीं करूँगी। तो ये भी होता है ना कि एक चीज़ हमें मिल जाती है तो हम कहते हैं आए अल्लाह ताला से कुछ और मांग लिया होता, ये क्यों नहीं मांगा, वो क्यों नहीं मांगा। लेकिन मैं अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना बढ़ के दिया। इस काबिल मैं नहीं थी, लेकिन उन अल्लाह की ज़ात तो गफूर रहीम है, वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिया और उन्होंने मुझे हिम्मत भी दी कि मैं इसे बनाऊँ ना। तो जैसे ही मैंने सुबह जब मैसेज देखा ना कि 10 पाउंड केक, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। फिर मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र भी अदा किया। मैंने कहा कि जैसे मैंने सोचा तो अल्लाह ताला ने वैसे ही किया। तो मैंने कस्टमर से बोला कि आपको कितने पाउंड केक चाहिए ना। उन्होंने बोला कि हमें 10 पाउंड चाहिए लेकिन 3 स्टेप में चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला कि आप 2 स्टेप करवा लें। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी फैमिली बड़ी है तो पाउंड में चाहिए, तो लेकिन आप मैनेज करें, आप कर लेंगी। मैंने कहा कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि गर्मी में क्रीम को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, और जो बेकिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्रीम गर्मी में इतने स्टेप बनाना और हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो फिर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मदद की है, अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद थी, तो अल्लाह ताला ही मेरी मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना मैं कर लूँगी। फिर मैंने भी हिम्मत की और स्टार्ट किया, लेकिन कुछ बेसिस बीच में दी, बीच में पाइप वगैरह दिए। तो मैंने कहा कि ये भी होता है ना कि इतना दिन हम पूरा दिन हम मेहनत करें, और मैं तो यही चाहती हूँ कि कस्टमर तक मेरा केक बहुत ज़्यादा अच्छा पहुँचे ना, क्योंकि इतने बड़े केक को लेके जाने का मसला भी होता है, और अगर मेल्ट क्रीम हो तो फिर तो आपको पता है वो चीज़ ठहरती नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप स्टोरीज बनाना बहुत टफ है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छे से बना। आपको कैसा लगा? कस्टमर की तो फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्हें केक बहुत पसंद आया, टेस्ट वाइज भी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की पिक भी शेयर किया जो लास्ट में मैंने अपलोड की है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स किया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं सबके कमेंट्स का जवाब दूं। और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आप उनकी बेटी की पिक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम है।